अगर सांप काटेगा तो सबसे पहले आप सब कहाँ जाएंगे? हाँ, हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब झाड़ फूँक के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक सरपंच मित्र में। दोस्तों, इस समय हम अम्बेडकर नगर जिले के बंदीपुर ग्राम सभा है और दोस्तों ये कॉलेज है सीताराम सूर्य कुमार इंटर कॉलेज, जो काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, आपसे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम निकाल के दिखाते हैं कौन सा जानवर है। शायद मोनिटर रिजल्ट है, आपसे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बैठा हुआ है। देख सकते हैं कॉलेज है और बच्चे काफी हैं और हम इन लोग को थोड़ा जानकारी देंगे। इससे क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है और हम बचाएंगे, दिखाएंगे, निकालेंगे। तुम लोग इधर आ जाओ, अरे गिरो मत आगे। आप तो थोड़ा शांति बनाए रहे, ठीक है? शांति दोस्तों देख सकते हैं मोनिटर रिजल्ट है, इसे हम बीच खोपड़ा के नाम से जानते हैं। शांत रहो, माइक मंगवा दे। ये नॉन बीएमएस होता है, ठीक है? और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अफवाह फैला हुआ, आप सब जानते होंगे। इसे काटने के बाद आदमी तुरंत एक्सपायर हो जाता है और काटने के बाद लहर नहीं आती, तमाम अफवाह फैली हुई। इससे काटने के बाद कुछ होता नहीं है, बिना जहर वाला होता है। अगर किसी को काट भी ले तो आपको ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हॉस्पिटल जाना है, अकाध दो टीटी लगवा लेना है, ठीक है? और घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ से सुनिए, समझिए, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोनिटर लीजाए। गांधी सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भागने में काफी माहिर होता है। आवाज ना करो, अगर एक किसी को काट भी ले तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों भागने में काफी माहिर होता है, अगर दोस्तों निकल जाते तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है और देखने में दोस्तों काफी खतरनाक लगता है। दोस्तों देख सकते हैं और काफी भागने के फिराक में है। अगर बच्चे सांप किसी को बाइट गए तो क्या करना चाहिए? सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए। शांत रहो, हॉस्पिटल ना तो किसी झाड़फूँक के चक्कर में पड़ना चाहिए, ना तो किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना चाहिए। अगर जहरीला सांप भी काटे तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिना जहर वाला भी सांप काटे तो भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाने से ये क्या होता है,
ये होता अगर सांप बिना जहर वाला भी काटेगा ना तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मतलब कंफर्म हो जाएगा कि जहर वाला काटा है कि जहरीला काटा है। अगर जहरीला काटेगा तो वहाँ पर इलाज हो जाएगा, और बिना जहर वाला काटेगा तो डॉक्टर बताएंगे ये जहर वाला नहीं काटा है। अगर आप सब झाड़ के फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो वहाँ पर अगर जहरीला सांप काटेगा भी बाबा लोग बताएंगे कि आप हमारे पास आने में देर कर दिए। और दोस्तों देख सकते हैं ये जहरीला सांप, ये जहरीला नहीं होता मॉनिटर रिजल्ट, और देखने में काफ़ी खतरनाक होता है। और दोस्तों अगर बाहर निकल जाए तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी भागने में माहिर होता है। और सांप में सबसे ज़्यादा भागने में माहिर होता है घोड़ा पछाड़ सांप, जिसे हम धामन नाम से जानते हैं। ये कब से देखा था ना सब? सुबह से देखा गया है। आप सब जाएंगे नहीं? नहीं, मैं जहर ना पाइए। हाँ, मैं जहर ना पाइए, लेकिन कटले बाद कुछ हो लाना है। अब वो इसके बारे में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ना होता है काफी तीखा होता है, अगर लग जाएगा ना तो ज्यादा घाव कर देगा। काफी तीखा, देखो अगर सांप काटेगा तो सबसे पहले आप सब कहाँ जाएंगे? हाँ, हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप झाड़ फूक के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ए शांत रहो। चलिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं और ले जाके किसी सुरक्षित जंगल में हम सब रिलीज कर देते हैं। दोस्तों आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और फिर मिलते किसी जीव का रक्षा करते अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।